जिस तरह के हालात है, मैं धनवादी हाँ कनेडा के, अमरीका के, आस्ट्रेलिया वर्गे देशों का, जेडे सारे जवाकों को सामभ रहे हैं। तो जे इत्थे होंदे तां हाल की होंदा? नौजवान रोज़ वड वड के गोलियां मार मार के पंजाब के अंदर मर रहे हैं। सरकार ये मत समझे कि वो जलंधर जीती है तो उन्हां दी कारगुजारी दे मोर लगी है ना, यही भुलेखा लोगों ने कढ़ देना। ये बाय इलैक्शन सीगा, बहुत वड्डी एक चिंता की गल है कि जनरल इलैक्शन दे विच तुहानू 3,17,000 वोट पई सी, हुण तुहानू 3,02,000 वोट पई है, और तुसी एक एक मंत्री चार चार MLA क्योंकि 92 बिठाउण दे बावजूद थोड़े बठिंडे तो बी लैण भी उत्थे आ गए बूथां ते बैठे सी बंदे जिहड़े बी लैण आए सी, इस दे बावजूद तुसी 15,000 वोट माइनस होए हो। मत समझो ये खतरे की घंटी है। देखो बात ये है कि ऑर्डिनेंस के ऊपर क्या फैसला लेना है या नहीं लेना, ये अधिकार क्षेत्र है कांग्रेस अध्यक्ष का और राहुल गांधी जी का। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 14 महीने के सरकार में जो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ पंजाब के अंदर, और क्या क्या हुआ, किस प्रकार से काम चला, वेंडेटा पॉलिटिक्स हुई, और किस प्रकार से हमारे साथियों को रोज़ाना एक से एक को लेकर एक के बाद एक, वो सारे का सारा मैंने हाई कमांड को जानू करवाया है। हालांकि मेरे से मांगा भी गया था कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और वो मैंने बता दिया है जिस प्रकार से हुआ है। फैसला, अंतिम निर्णय हमें लगता है कि जो भी बात होगी, हाई कमांड और KC वेणुगोपाल जी ने, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि हम अपने स्टेट यूनिट्स के साथ बात करके कोई फैसला लेंगे। बाकी अंतिम फैसला जो हाई कमांड का होगा, खरगे साहब का होगा, राहुल जी का होगा, KC वेणुगोपाल जी का होगा, वो हम उससे सहमत होंगे। क्या पंजाब का यूनिट इस हक में है? नहीं, मैं हक में हूँ या नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बात किसी मीडिया के मंच से मैं कहूँ बतौर अध्यक्ष तो मेरे को लगता कि ये जायज़ नहीं है। जो भी बात मेरे को कहनी है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को मैं, जब मेरे से वो पूछेंगे, ऑलरेडी एक बार पूछ भी लिया गया है, वो मैंने उनको सारी कहानी के बारे में बता दिया है। लेकिन मैं, जो फैसला हाई कमांड का होगा हम उसके साथ चलेंगे। धालीवाल जी का क्या मतलब है इससे? धालीवाल साहब का की मतलब है? धालीवाल साहब तो पंचायत राज मंत्री है, पंचायत मंत्री ने। सो मैनू नहीं लगता यार, मैं बेनती करांगा कोई भी व्यक्ति कोई भी गल कह दिंदा, सो कृपा करके आपदा सिलेबस करके सारे नू गल करनी चाहिदी है, रादर देन आई एम टॉकिंग अबाउट मैं कुछ होर गल कर दिया, जिवें तुसी हुण मैनू कह रहे हैं। मेरे अधिकार खेतर च नहीं ऑर्डिनेंस से की होना कि नहीं होना, हाँ मैनू जानकारी देनी मेरी फर्ज बनता, कोई जिहड़ा सब्जेक्ट नहीं है। सो मैनू नहीं लगता कि धालीवाल साहब की कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। भाई साहब, ना विदेशों तो कोई व्यक्ति आना है इत्थे, उल्टा सच जानो तो मैं उल्टा उन्होंने देशों का धन्यवाद कर। बिल्कुल मन नूं तां बहुत दुखी है, दुख है इस गल का कि इतों लोग सारे रोजाना डारां दीआं डारां बन के जहाज भर करके जाई जा रहे। लेकिन जिस तरह के अज पंजाब के हालात है, जिस बदलाव की वह नौजवान उड़ीक कर रहा है, अज इस तरह के हालात है, मैं धनवादी हाँ कनेडा के, अमरीका के, आस्ट्रेलिया वर्गे देशों का, जेडे सारे जवाकों को सामभ रहे हैं। तो जे इत्थे होंदे तां हाल की होंदा? नौजवान रोज़ वड वड के गोलियां मार मार के पंजाब के अंदर मर रहे हैं, नशे का बदहाल, मतलब कि बुरा हाल हो गया। मैं नहीं कहता साढ़े वेले नहीं नशा सी, पर इहदा कोई हल तो कढ़ो यार। बहुत वड्डे सपने तुसी लोगों ने दिखाए सी, तुसी बदलाव की गल की सी कि जिहड़ियां रवायती पार्टियां उहदे तो वक्री एक पार्टी होएगी, और फिर रोज़ कह दें कि असी उत्थे जमीन छुड़ानी है। मैं, धालीवाल साहब हरियाणा ने बहुत सारी जमीन छुड़ाई भी है,
पर वो की कहंदे आ की नहीं कहंदे, यार गल उही करनी चाहीदी है जिहड़ी गल पूरी हो सके। जिहड़ी गल पूरी ना हो सके, मैनूं लगदा कि एवें खाब तुसीं लोकां नूं दिखा दोगे और तुहानूं कल गल देनी पएगी। हर व्यक्ति उहनां नूं घेर के खड़ा हो जाएगा, उहनां नूं पुछेगा भी की होया। सो गल मेरा ख्याल केवल सोशल मीडिया ते मीडिया ते आउण लई नहीं कहनी चाहीदी किसे वी लीडर नूं, चाहे घट बोलीए चाहे घट आईए, लेकिन गल जायज़ कहिए। हौली हौली जिहड़ा समा आ रहा, लोग कह रहे कि यार फलाना बंदा सच्ची जी गल करदा, उन्नी गल करनी चाहिए। सरकार ने पीआरटीसी दा फंड दित्ता जो महिलाओं नूं फ्री ट्रैवल है, उसका हजे भी कई सौ करोड़ रुपया देना, जिसकी वजह से उन्हां दी फंक्शनिंग भी इंपैक्ट हो रही है इन सारिआं। देखो मैं उस साढ़े वेले भी देना हुंदा सीगा पीआरटीसी दा, मैं हुण देखो मैं फिर जायज़ गल कर कि पीआरटीसी नूं सरकार दी पीआरटीसी है, सरकार पीआरटीसी दी है, लेकिन हाँ मुलाजमान दीआं तनखावां देन वास्ते, क्योंकि सरकार को मैं तो अगे ही कह रहा 31,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, 35,000 करोड़ रुपया कर्जे की तजवीज़ रखती है, 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा 2 साल अगर ले लेंगे कितों देंगे तनखावां। पर हाँ मुलाजमान समय सिर तनखावां अगर नहीं मिलनगियाँ तो पीआरटीसी चलनी बंद हो जाएगी, गड्डिया की रिपेयर ठीक समय उन्होंने नहीं होएगी। अज टायरस तो बिना टायर नहीं है, बहुत सारिया गड्डिया साड़िया वर्कशॉप के खड़ी हैं, मेरे ख्याल 26 तो लैके 30 बसेस तो मुक्तसर डिपू च खड़ी हैं। सो मैनू लगता और पैसा जरूर सरकार को मुहैया करवाना चाहिए। हाँ जोड़ा पुराना पैसा है वो साढ़े बस वक्त भी खड़ा सीगा, लेकिन उदो असी 200 करोड़ रुपया मेरे समय असी 200 करोड़ रुपया पीआरटीसी रिमबर्समेंट असी करवाई सी खजाना इतों अपना फिनांस डिपार्टमेंट तो इलेक्शन समय दौरान। सो देना चाहिए फड़ाफड़ाई तो बिना कोई होर मुद्दा ही नहीं है। सरकार ये मत समझे कि वो जलंधर जीती है तो उन्होंने कारगुजारी दे मोहर लगी है ना, यही भुलेखा लोगों ने कढ़ देना। ये बाय इलैक्शन सीगा, बहुत वड्डी एक चिंता की गल है कि जनरल इलैक्शन दे विच थानू 3,17,000 वोट पई सी, हुण थानू 3,02,000 वोट पई है, और तुसी एक एक मंत्री चार चार MLA क्योंकि 92 बिठाउण दे बावजूद थोड़े बठिंडे तो बी लैण भी उत्थे आ गए बूथां ते बैठे सी बंदे जिहड़े बी लैण आए सी, इस दे बावजूद तुसी 15,000 वोट माइनस होए हो। मत समझो ये खतरे की घंटी है, हजे थोड़े सारे ऐलान बाकी ने। सो प्लीज़ कृपा करके मत समझो कि सर लोगों ने कम्मा दे मोर लाई है, तुसी आने वाले समय से देखियो जो मैनू लगता कि सरकार तो ना खुश है लोग, इस करके वोट घट पाए, इस करके 15,000 वोट घट।